हाँ माँ, लेकिन देबू भैया। देबू, देबू। मम्मी। माँ। रे, damn it, Mr. B, विवान बच गया। सब्र रे सब्र, मौका तो हम फिर बना लेंगे। अभी यहाँ से निकलते हैं। भले ही वो विवान मेरे यंत्र से बच गया हो, लेकिन एक बड़ा बालवीर मेरे जाल में फंस चुका है। देबू भैया, माँ, देबू। अब इस देबू के खून से रे के शरीर से कवक के जहर का असर उतर जाएगा। देबू भैया, देबू भैया, देबू, देबू भैया, देबू, देबू भैया, ठीक है ना? देबू, देबू, देबू आंखें खोलो, देबू। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी, उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। देबू, ये क्या किया तुमने? विवान के साथ की मुसीबत को अपने सर ले लिया। देबू, देबू उठो बेटा। प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करिए। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें देखती हूँ। अब आप सब चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। लेकिन प्लीज यहाँ सब लोग भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। हाँ प्लीज, आप सब यहाँ से चलिए प्लीज। हाँ हाँ। देबू, मैडम आप ही जरा प्लीज। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं माँ हूँ इसकी, मुझे साथ रहना होगा ना इसके। कोई एक फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना साथ में। माँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ ना विवान। लेकिन माँ प्लीज। एंड आई प्रॉमिस माँ, ये देवू भैया अपने पैरों पर चलकर घर वापस आएंगे। नहीं विवान, मैं माँ प्लीज, मैं रुक जाता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। मम्मी ठीक है, लेकिन मुझे फोन करके बताते रहना। हाँ देवू भैया, बालपरी, देवू भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? बालवीर, चलिए चलिए स्वामी। रे, अब बिना रुके फुल स्पीड में सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए सीधा शिंकाई पहुंचेंगे। चलिए चलिए चलिए। मिल्सा, मिल्सा कहाँ? सुंदरी, मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। है? बैठो। सुंदरी जी, सुंदरी जी। मिल्सा, सुंदरी जी। मिल्सा, अरे कहाँ गई मेरी सुंदरी? मिल्सा, मुझे जल्द से जल्द बालवीर का ये खून भंबाल श्री तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज तक हम जीत के इतने करीब नहीं पहुंचे हैं। मिल्सा मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन विवान के ऊपर वो यंत्र गिरने में समय बाकी नहीं था।
इसलिए मैं उसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चला गया था। हाँ तो स्वामी अब पछता के क्या होगा, हाँ, जल्दी से यहाँ से चले वरना जब हमारा गला कटने की बारी आएगी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। बिलसा हमें ही ढूंढने बाहर गई होगी, वो मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी। विकेंजा जाकर ढूंढो उसको। मैं क्यों जाऊं स्वामी? स्वामी रे बीमार है, अब रे के इलाज पर ध्यान देते ना, आपकी लॉटरी का टिकट अब रे है। मिलसा को साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे, वो हमारे सारे राज जानती है। जा, जाओ। ना। जाओ। लेडी से कैसे बात करते, आता भी नहीं इनको। अरे तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो ना? यस मिस्टर मीरा, आई कैन वेट। लेडी हमको जाने दीजिए। देवू भैया आप ठीक हो ना? हाँ विवान मैं ठीक हूँ। लेकिन वो दीन मलिश का मेरा खून निकल कर ले गए। What? लेकिन क्यों? बालवीर के खून में बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। कहीं वो उसकी मदद से कोई शस्त्र तो नहीं बनाने वाली है। अब हमें उसे रोकना होगा। चलो। सुंदरी जी ये क्या है? सुंदरी जी आप विलन होके हीरोगिरी क्यों कर रहे हो? तुम्हें हमारी जान खतरे में क्यों डाल रही है? मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही हूँ, बल्कि रे की जान बचाने का इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो महाताकतवर का खून। आई थिंक हम सबको अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए। अरे सुंदरी जी लगता है आपके दिमाग को जरा ज्यादा ही झटका लग गया है। अरे जब आपका यंत्र विवान पर गिरा ही नहीं, वो ये विवान के शरीर से ये खून कहाँ से आया? सब बताती हूँ, अभी चलो। चलो सुंदरी जी ये तो विवान के साथ ही यहाँ पर आ गए, आप क्या कर रहे हैं? ये लो ये बंबाल श्री को देना, क्योंकि अभी तक विवान को तुम पे शक नहीं हुआ है। जाओ कि ना मैं इन दोनों का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जाओ। बंबाल श्री का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि मिलसा ने अपना कर्ज पूरा किया। सच सच बताना देवो भैया के ऊपर झूमर आपने गिराया था ना? हाँ और किसमें इतनी हिम्मत है? देख अगर विवान को सबक सिखा लेना हाँ। उसके फैमिली को चोट पहुंचाओ। चिंटू का चिंटी का खुद का सबका बदला लेगा रे तेरा मोंटू। ए बुलडोजर देखते नहीं चल सकते क्या? बुलडोजर किसको बोला? मैं तो मेगा ट्रक हूँ और इस मेगा ट्रक से जो टकराएगा ना वो पिछड़ा जाएगा। लेडीज को धमकी देते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वैसे मिस ब्रिगेंजा आप एक खून से भरा हुआ इंजेक्शन कहाँ लेके जा रही थी? मोंटू भैया कहीं मिस ब्रिगेंजा देवो भैया के लिए खून तो नहीं लेके जा रही? हेलो क्या
कुसुर कुसुर हो रही है, इंजेक्शन दे दो। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे इस इंजेक्शन में अमृत हो। ए, वो जो भी हो मुझे मुझे इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन इंजेक्शन ये लो। चीज़ चीज़ बस नहीं ना प्लीज ना बहुत हो गया मजाक। इंजेक्शन दे दो वरना मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दूंगी। मोंटू भैया अपन ये इंजेक्शन मिस्टर कैंडा को वापस दे देते हैं, कहीं ये पापा को कंप्लेंट ना कर दे, पता चला अपना वापस दो दिन का खाना बंद। दे दो दे दो दे दो। आंटी जी अब तो खामखा सीरियस हो गए, हमें बस थोड़ा सा फन करने का मन किया ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब लीजिए लीजिए लीजिए। हाँ ले जाइए। फन हो गया। हाँ हो गया फन। पर तुम्हारे फन पर चलो बच गए। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? बालपरी 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 अब देख लो ना, बालपरी आंखें खोले। अब तुम शक्तिहीन हो चुकी हो, बताओ मेरे खून का नमूना कहाँ है? रुको देवू भैया। बालपरी बालपरी आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाकर उस मलिष्का को पकड़ो। तुमने सही सही सुना ब्रिगेंजा कि मिल्सा ने तुमसे यही कहा है? स्वामी मेरा कद छोटा है लेकिन मुझे सुनाई ऊंचा नहीं देता। मैंने सुंदरी जी को ये कहते हुए सुना कि ये खून किसी दूसरे महाताकतवर के शरीर का है। हाँ? मिल्सा ने क्या नाम बताया उस दूसरे महाताकतवर का? कहाँ बताया, वो कुछ बता दी उसके पहले वहां पर विवान और उसके साथी आ गए। मिस्टर बी क्या आपको रियली लगता है इस सिरिंज में किसी सुपर पावरफुल बींग का ब्लड है?
ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। बोलो, बालवीर का खून लेने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? बोलो। बताओ कौन कौन है आपके साथ? बालपरी ये ऐसे नहीं बताएगी। आप इसकी तलाशी लीजिए, जरूर खून का नमूना इसके पास होगा। देवू मैया के ब्लड का सैंपल इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और देवू मैया का ब्लड ऑलरेडी इनके साथियों तक पहुंच चुका है। ओह नो, आई एम रेडी मिस्टर बी, लेट्स सी लेडियम हमसे दो स्टेप आगे है या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बालवीर का खून अभी किसके पास है ये तो पता नहीं लगा सकती हूं मैं, लेकिन हाँ उसका गलत इस्तेमाल होने से अभी शायद रोक सकती हूँ। मिस्टर बी, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। बालपरी, क्या आप श्योर हैं? आपकी मैजिक ने अपना काम किया होगा? बालवीर के खून का नमूना तो मैंने नष्ट कर दिया है, लेकिन अगर इससे पहले किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया हो तो मिल्सा ने आज मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अब जाकर उससे पूछना पड़ेगा कि वो दूसरा महाताकतवर कौन है।
मिस्टर बी, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। ये तो मिल्सा ही बता सकती है। बालपरी, अब वीरलोक से वो सत्य सूचक यंत्र मंगवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? माफ करना बालपरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं ध्वनि परी, अभी भी देर नहीं हुई है। तो यही कहीं आसपास होनी चाहिए। अब इस सत्य सूचक यंत्र की मदद से ये सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देगी। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या मकसद है तुम लोगों का? बोलो। अपने टीम प्लेयर्स का नाम बताइए। बम बम अलविदा मिल्सा, तुम्हारी कुर्बानी अब जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारा राज भी खुल जाएगा। ये क्या हुआ बालपरी? ये जरूर उन्हीं लोगों ने किया है जो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते। मिल्सा की वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हमारा राज छुपाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन मिल्सा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। माय कंडोलेंसेस मिस्टर बी। मिस्टर बी, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि उस सिरिंज में से ब्लड प्लाज्मा मेरी बॉडी तक पहुंचने से पहले जब उसमें ब्लास्ट हो गया, तो फिर मेरी बॉडी से उस कवक के जहर का असर कम कैसे हो गया?
मुझे लगता है कि उस महाताकतवर के शरीर से खून निकालने के लिए मिल्सा ने जिस सुई का इस्तेमाल किया था, शायद उस सुई में उस महाताकतवर के खून के कुछ कण लगे थे। That means, उस नीडल पर जो स्मॉल ब्लड पार्टिकल्स थे वो मेरी बॉडी में चले गए होंगे। That's why my condition got better. स्वामी, सोचिए, जिस महाताकतवर के खून की एक बूंद में जीवन बूंद जितनी ताकत होगी, वो खुद कितना ताकतवर होगा? That means, हमारे पास डबल ऑप्शंस हैं, cry और pray, लेकिन सुपर पावर को नहीं छोड़ेगा pray. हम कुछ गलती से छोड़ तो नहीं रहे? डीन मलेश्का के तीन सीक्रेट टीम प्लेयर के नाम हमने अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली छोड़े हुए हैं। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकते हैं? मेरा पहला डाउट तो उन्हीं के ऊपर जाता है, जिनके ऊपर से डाउट हटाने की पूरी कोशिश की थी डीन मलेश्का ने। यानी प्रधान अध्यापक अघाड़ी, रे और तीसरी मिस ब्रिगेंसा। यस, क्योंकि मुझे और अनन्या दीदी को प्रिंसिपल के कैबिन से डंडे दिखाकर मिस ब्रिगेंसा ने ही आउट किया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों लोग सच में निर्दोष हो। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीर-लोक का हमेशा से ये नियम रहा है, चाहे 100 अपराधी छूट भी क्यों ना जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी असलियत जानने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। यजमान, इस लोटे को आप वहां रख दीजिए। यहाँ दादाजी लीजिए। यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ तो पत्ते रखे जाएंगे। अच्छा, तो कहाँ? यहाँ रख दूँ? यहाँ तो लकड़ियाँ रखी जाएंगी, वहाँ रख दीजिए। अच्छा, यहाँ? और आप इसको वहाँ रख दीजिए, आप इसको वहाँ रख दीजिए, यहाँ, और इसे आप ही रख दीजिए। जो गौमूत्र और अगरबत्ती कहाँ है? विवान लेकर आता ही होगा। करुणा जी, आप मेरी नकल क्यों उतार रही हैं? क्या करूं पंडित जी, इतनी देर से आपकी वाणी सुन सुनकर मेरी भी बोली आपकी जैसी हो गई है। हाँ, आ गया विवान। सारा सामान ले आए हो ना विवान? जौ, तिल, अगरबत्ती और पान। हाँ हाँ। माँ, सॉरी सॉरी पंडित जी, वो क्या है ना, माँ ने आपका सुर पकड़ लिया और मैंने माँ का सॉरी। अच्छा वैसी, आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं ले आया, ले लीजिए। देवू भैया, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी। गुड। और हाँ विवान, मैंने प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा को भी इनवाइट कर लिया है क्वारंटाइन सेंटर के सब लोगों के साथ हवन के लिए। ग्रेट। लेकिन भैया, क्या आपको लगता है कि कल रात के पार्टी के इंसिडेंट के बाद वो लोग आज पूजा में आएंगे? विवान, अब अगर मैं डीन मलेश्का की पार्टी में होता तो मैं ऑफकोर्स इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देबू और विवान मुझ पर शक करें। यानी डबल ब्लफ? वो क्या होता है? भैया, जब चोर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है, उसे डबल ब्लफ कहते हैं। लेकिन विवान, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग डबल ब्लफ कर रहे हैं या नहीं? वो लोग सच में डीन मलेश्का के साथी थे या नहीं? फिकर नॉट भैया, उसके लिए मेरे पास है ये बॉक्स है।
मैजिक बॉक्स, इसमें क्या है? भैया आज हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल अघाड़ी रे और मिस ब्रिगेंजा धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई के धोखेबाज। स्वामी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, हम यहाँ पे क्यों आए? विवान के दिमाग से इस डाउट को आउट करने है कि कल रात को पार्टी में जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। राइट मिस्टर विवान? बिल्कुल सही। हमारे यहाँ आने से इनके मन में छुपी शक की छोटी सी चिंगारी भी बुझ जाएगी। लेकिन स्वामी किसी की नजर रे के हाथ पर चली गई तो? रिलैक्स मिस ब्रिगेंजा, इतनी भीड़ में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। है? अरे ये चलो विवान, हमारे मेहमान आ चुके हैं, अब तुम्हारे मैजिक बॉक्स से इनकी सच्चाई पता लगाई जाए। भैया मैजिक बॉक्स के पहले इनसे थोड़ी बातचीत कर ली जाए। अगर ये सचमुच में डीन मलिश्का के साथी होंगे तो इनकी जुबान जरूर लड़खड़ाएगी। अरे देवकी जी आइए आइए, आओ अनन्या। हेलो प्रिंसिपल सर, मिस ब्रिगेंजा। हेलो। नमस्ते रे। वैसे आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए? क्योंकि हवन तो एक घंटे बाद शुरू होने वाला है। जल्दी नहीं ब्रो, राइट टाइम पर आए। बिकॉज हेल्प करने का टाइम हमेशा राइट टाइम होता है। Help. Yes, help. आप लोग इतने दिनों से ये क्वारंटाइन सेंटर चला रहे हैं तो हमने भी सोचा कि क्यों ना पूजा में जल्दी आकर आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दें। प्रिंसिपल सर चलिए ना मेरे साथ, मेरे पास आपकी हेल्प लेने के लिए एकदम परफेक्ट काम है। Why not, विवान? चलो डेलिन। मेरे पास भी आपके लिए एक बहुत जरूरी काम है, आइए। अरे कोई मुझसे भी हेल्प ले लो। What a great surprise! अरे अनन्या, हम तो रोज मिलते हैं, इसमें सरप्राइज की क्या बात है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। तो तुम मिस्टर रे को हेलो बोल रही थी, लेकिन इनमें और मुझ में फर्क क्या है? मेरे पास भी दो पैर है, दो हाथ है, दो आंख है, दो कान है, एक दिमाग, सब है। लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं है ना रब्बू? एक्स फैक्टर नहीं है लेकिन मेरे पास वाई और जेड फैक्टर है। सुनो तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, ये पकड़ो और इसे पैक करो, ठीक है? गो, डोंट डिस्टर्ब अस। ओके। हाय रे, हाउ आर यू? वाह ये सही है, मतलब अनन्या तुम मुझे कोल्ड शोल्डर दे रही हो और रे तुम्हें कोल्ड हैंड दे रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना बड़ी, मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ तो हैंडशेक भी लेफ्ट हैंड से करता हूँ एंड आई होप यू डोंट माइंड। नो आई डोंट माइंड एट ऑल, वैसे भी हार्ट भी तो लेफ्ट साइड पे ही होता है ना।
चलो मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। हेलो हेलो, तुम कब से रियल एस्टेट एजेंट बन गई जो घर घुमाने लगी? जस्ट इग्नोर हिम। ओफो, इस लड़की की टाइमिंग बिन मौसम बरसात जैसी है, जब देखो गलत समय पर ही आ जाती है। अब क्या करूं? वैसे सर, आप काफी अच्छी माला बना लेते हैं। मैं जो भी काम करता हूँ पूरा दिल लगा के करता हूँ, फिर वो हवन की माला बनाना हो या किसी के फोटो पे टांगने के लिए। वैसे सर, दीन मलेश का नहीं है ये आपके साथ? है? पता नहीं, इनफैक्ट कल के इवेंट के बाद मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। ओके, तो अभी कॉल कर लीजिए। अगर वो भी पूजा में आ जाएंगी तो पूजा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, राइट? स्वामी, आप क्या बोलेंगे? आप तो पकड़े गए। मैं उन्हें फोन नहीं कर सकता। एक्चुअली डीन मलिश का प्री ओल्ड स्कूल है, यू वोंट बिलीव इट, लेकिन वो मोबाइल फोन का यूज नहीं करती। बच गए। मोबाइल फोन यूज ही नहीं करती? ओके ओके ओके, सो लैंडलाइन पर कर लीजिए। मेले पे धेला हो गया ये तो। नो विवान, डीन मलिश्का को वर्किंग आवर्स के बाद कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। यू नो, रे ने एक दिन उन्हें संडे को कॉल करने की गलती की थी, तो जानते हो अगले दिन क्या हुआ? क्या क्या? रेजिग्नेशन लेटर लेकर वो मेरे कैबिन में आ गई। डीन मलिश्का को उनकी प्राइवेट लाइफ और उनके प्राइवेट टाइम में अगर कोई डिस्टर्ब करे तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, काफी स्ट्रेंज है डीन मलेश का, राइट? तो वो एक्चुअली ओरिजिनली है कहाँ से? इतने टाइम से आपकी कलीग है, आपको तो पता ही होगा। कलीग, फ्रेंड नहीं। इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें मुझ पर थोपा है। आई एम सॉरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, बट वो दीन मलिश्का अगर यहाँ नहीं आती है तो वो बेटर है, बिकॉज बहुत रूड है और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े झगड़े करती है। ओके, सो आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है उन्हें, मेरे हाथ बंधे हुए। अगर मेरा बस चलता तो सीधा चांद पर ट्रांसफर कर देता। वाह स्वामी वाह, आप तो बड़े कहानीकार निकले, इतनी जल्दी बात को उठा दिया, मिल्सा जी को विलन और खुद को विक्री बना दिया। विवान, अरे विवान, मेहमानों से क्या काम करवा रहे हो तुम? It's okay. No problem. In fact, मैं जल्दी इसीलिए आया था ताकि पूजा में आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूं। And I hope he's satisfied. Sure. अरे बहुत हेल्प करा ली आपने, वैसे भी इतनी मालाएं काफी होंगी। हवन शुरू होने वाला है, आइए ना। Sure. विवान, मालाएं लेके आ जाओ। आइए आप आइए। ये देखो, ये है हमारी बालकनी। तुम्हें पता है इसकी खास बात क्या है? क्या? यहाँ से ना पूरा भारत नगर दिखता है। ओह, है आपका, आई कैन सी दैट। चलो मैं तुम्हें करुणा जी का रूम दिखाती हूँ। ओके। अब रुको, ये तो मैं तुम्हें दिखाना भूल ही गई। ये ना डेकोरेटिव फ्रिल्स हैं, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। पर जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ आ गए हो, मैं ना
सब काम आधा अधूरा छोड़ के तुम्हारे पास आ गई। पर कोई बात नहीं, मैं अब लगा देती हूँ इसे। अगर मैं चेयर से गिरी तो रे मुझे बिल्कुल हीरो की तरह कैच कर लेगा, बिल्कुल जैसे फिल्मों में होता है। हाउ रोमांटिक। रे हेल्प। वाह क्या टाइमिंग है। माफ करना लेकिन क्या आपके राइट हाथ में मेहंदी लगी है जो आप अनन्या को गिरने से बचा नहीं पाए? या फिर कोई और प्रॉब्लम है? माफ करना लेकिन क्या आपके राइट हाथ में मेहंदी लगी है जो आप अनन्या को गिरने से बचा नहीं पाए? या फिर कोई और प्रॉब्लम है? ओ हेलो, अगर तुम बीच में नहीं आते ना तो रे ने ही मुझे बचाया होता। इसने रोमांटिक मोमेंट को पैथेटिक मोमेंट बना दिया। टफो। जो रे चले। भैया कुछ पता चला? रे कैसे पता लगा विवान? मैं उस रे से कुछ पूछना तो चाहता हूँ लेकिन वो अनन्या रे से चिपकी हुई है जैसे शहद से मधुमक्खियाँ चिपकी हुई होती है। लेकिन विवान तुम्हें कुछ पता चला? भैया कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन भैया अब मुझे लगता है कि इस मैजिक बॉक्स का इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। मैजिक बॉक्स? पूजा होने के बाद हम अपने सस्पेक्ट्स के हाथों में ये मौले पहना देंगे। लेकिन विवान पूजा होने के बाद तो हर किसी के हाथ में मौले बांधी जाएगी, इसमें स्पेशल क्या है? भैया ये वीर लोक की स्पेशल मैजिकल मौले है। जैसे हमें पता चलेगा कि वो लोग धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई से आए हैं। ये बोली नहीं है, ये तो फांसी का पत्ता है जो हमारे कलाई के बनने वाले। स्वामी अब क्या करेंगे? स्वामी सब लोग आ जाइए, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आ जाइए आ जाइए। अब प्रिंसिपल सर आप भी आइए ना। स्वामी स्वामी रुकिए, आज अगर हम पूजा में बैठेंगे तो यहाँ से हमारी आरती उठ जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो ब्रिगेंजा? बकवास नहीं कर रहा हूँ स्वामी। विवान जो हमारे हाथों में मौली का धागा बांधने वाला है पूजा के बाद, उससे हमारी पहचान खुल जाएगी। अब मिस्टर बी आई गेस हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेट्स लीव। चलिए चलिए। मतलब सर आपने पूजा की तैयारियों में इतनी हेल्प करवाई हमें
और भवन में आहुति दिए बिना ही चले जाएंगे। वो एक्चुअली मुझे कॉलेज से एक कॉल आया था, बहुत इम्पोर्टेंट काम है इसलिए जाना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल सर, भगवान के सामने पूजा में बैठना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम ही है ना। हाँ, और वैसे भी पूजा 30 मिनट में तो खत्म हो जाएंगी, फिर आप लोग चले जाइएगा। ओके ओके प्रिंसिपल अगाड़ी, आई गेस हमें कुछ देर और रुक जाना चाहिए। ओके हाँ, अब आइए 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 आइए। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती, कोई इस थाली को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मंदिर से इन मौलियों को मंत्रोच्चारण करके सिद्ध करके लाया हूं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम। जी अभी पूजा में बिजी है, यही सही मौका है, अपनी जादुई मौलियों को पूजा की थाली में रख दो। मेरे निर्देशन का पालन करो बच्चा, इस थाली को बिल्कुल नहीं छूना। स्वाहा। विवान, क्या बदमाशी है ये? बदमाशी नहीं ना, वो तो मैं लड्डू ले रहा था। हाँ। बोलो नहीं, सुनो, लड्डू पूजा खत्म होने के बाद सबको मिलेंगे। तब तक चुपचाप शांति से बैठे रहो। अब आप सभी अपनी आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं। सबकी आंखें बंद है, मैं मौली की थाली गायब कर देता हूं। अरे किधर? किधर? किधर नहीं, गर्मी, हॉट। गर्मी हो रही है ना, तो हवन की तरफ क्यों जा रही हो? हवन से दूर बैठो ना। यह हाथ जोड़ो। जो तिल समाप्त हो गए, वापस मंगवाइए। दादाजी दादाजी, अब मैं लेकर आता हूँ ना जो तिल, मैं लेता हूँ। अब पंडित जी, दो मिनट के लिए इसको उठा लेता हूँ। लव लाइए, थाली लाइए। हाँ, अब ये लीजिए, ये लीजिए।
ये लो विमान। पंडित जी वापस रख दिया। स्वामी अब क्या करेंगे? सब ब्रिगेंजा सब। वाहा, हवन पूजा संपन्न हुई, आरती के लिए खड़े हो जाइए। जमुना हाथ। अब मैं लेफ्ट हूँ। हैं? काई वांधो नहीं। हे भगवान, आज कुछ ऐसा जादू करिए कि डेन मलिश्का के साथियों का नाम सामने आ जाए। बस किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलो, उसके बाद क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। अरे गिर पड़े जी, मुझे धक्का क्यों मारा तुमने? क्या? मैंने कब धक्का दिया? उसको तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? गिर पड़े? नहीं मतलब मैंने क्या पता, मतलब कभी कोनी वोनी शायद लग गई होगी। ठीक है, सॉरी सॉरी, माफ करा। क्या अब आप सब लोग फूल अर्पण कीजिए। मौली बांधने के लिए एक एक करके आगे आइए। अब माँ, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सबके हाथ में मौली धागा बांध दूँ। बेटा मेरी परमिशन नहीं, पंडित जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। पंडित जी, लेकिन आपने तो कहा था कि इस थाली को कोई हाथ नहीं लगा सकता, है ना? वो तो निर्देश सिर्फ पूजा खत्म होने तक था, पूजा समाप्त हो गई है। और वैसे भी बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। आओ बच्चा, ये मौलियां सबको बांध दो बच्चा। लव मन, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। आओ। थैंक यू, मैं करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मिस ब्रिगेंजा, इट्स नाउ और नेवर मिस्टर बी। हे
चाहे कुछ भी हो जाए, आज रे के हाथों में मौली मैं ही बांधूंगी। रुको रुको, अरे, 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 अरे। दीदी ये क्या कर दिया? विवान, हमेशा की तरह अनन्या फिर से रॉन्ग टाइप पर टपक गई। सारी मौलियां मिक्स हो गई है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनमें से हमारी जादुई मौली कौन सी है? अरे अरे अनन्या, अरे ये मौली कोई चॉकलेट थोड़ी ना है, इतनी उतावले क्यों हो रही है? वो सॉरी, मैं थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से आगे मैं ही मौली बांधू। पंडित जी ने कहा है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और आप तो पहले से ही शैतान है ना। अब चलो विवान, चलो हटो हटो हटो। मिस्टर बी, आई गेस नाउ वी आर सेफ। इन मिक्स थ्रेड में से विवान हमें वो मैजिकल थ्रेड कैसे पहनाएगा? अरे विवान, हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। फिकर नॉट भैया, प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। कैसे विवान? मैंने अपनी अल्ट्रा पावर विजन का यूज किया था। हाँ, जिससे मुझे ये पता चल गया कि हमारी मैजिकल मौली कौन सी है। मजा आ गया, मतलब तुमने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी। करेक्ट। थैंक यू सो मच, आप सब गृह शांति पूजा में आए। थैंक यू। अरे क्या करुणा जी, इसमें थैंक यू की क्या जरूरत है, ये सब तो हमारा फर्ज है ना चला भाई। खाना कहाँ लगा है? बाहर लगा है ना, आप सब प्लीज खा के जाइएगा। चले 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 भाई, चले चले चले, तू चल 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 लोकल, चल 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 चल। प्रिंसिपल अघाड़ी, सर आप भी प्रसाद और भोजन लेकर ही जाइएगा। इसमें ई फॉर बट में क्या खटपट है रे? मेरा तो एक ही रूल है, जान जाए तो जाए पर जलपान ना जाए। ब्रिगेंजा, कॉलेज से फोन आया था, इम्पोर्टेंट काम, याद है? अरे प्रिंसिपल गाड़ी सर, मान जाइए ना। नहीं यार, हमारा रुक पाना अब मुश्किल होगा। अरे दादाजी माँ, आप भी समझाइए ना। हाँ, अरे प्लीज आप रुकिए ना खाने पीने के लिए। बच्चा कह रहा है तो मान जाइए प्लीज। कॉलेज के लिए 15 मिनट लेट। वो भी जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके। तो फिर चलिए आइए। चाय प्लीज प्लीज आइए। थैंक यू थैंक यू। अब थोड़ी ही देर में मौली का इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और अगर ये लोग सच में दोषी हैं, तो इनके मौली का कलर चेंज होकर ग्रीन हो जाएगा, और एक घंटे के अंदर अंदर इन लोगों के हाथ चलने लगेंगे। यस, अब तो हमें इन पर नजर रखनी चाहिए विवान। चलो दिवाली बहन, जलेबी दो ना। दो और दो ना। अरे बस दो,
हाँ गिर पड़े भाई, प्रसाद की तरह खाइए, आपके पीछे बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। सॉरी सॉरी। खड़ा हो यहाँ। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। देखिए जैसी नदी ऊपर से नीचे आती है वैसी पूजा का खाना भी ऊपर से नीचे मिलेगा, यहाँ खड़े रहिए। बहुत बढ़िया। सभी क्या हुआ? हम दोनों के हाथ की मौली का रंग बदलना शुरू हो गया है। अब बैड लक इज दैट गुड लक। विवान, हमें जल्द से जल्द उनके हाथ की मौली का रंग चेक करना चाहिए। स्वामी मैं बता रही हूँ किसी ना किसी दिन इन दो गुब्बारों में से हवा वहीं निकाल दूंगी। ये क्या? आपकी हाथ की मौली का रंग बदल गया क्यों? इसका मतलब आज मैं एलिमिनेशन राउंड में नहीं हूँ, आज तो आप दोनों की घर वापसी है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैं मिस्टर बी, आई थिंक हाइड एंड सीक का गेम शुरू होने वाला है। हमें देबू और विवान की नजरों से बचना होगा, लेकिन कैसे?